स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किला राजघाट के आसपास धारा 144 लागू। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजघाट, आईटीओ और लाल किले के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। यह फैसला स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 सहयोगी आतंकवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों ने 3 अपराधी साथियों को गिरफ्तार किया, जो कि आतंकवादी संगठन एलईटी से जुड़े थे। सुरक्षा बलों ने बताया कि उनके पास से सुरक्षा सामग्री बरामद की गई है। इंडिया ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया 11 अगस्त को सेमीफाइनल जापान से। चेन्नई में चल रहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया और अजय सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जेलर के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए थलाइवा रजनीकांत, प्रशंसकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बताया। थलाइवा रजनीकांत जेलर के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। फिल्म ने पूरे तमिलनाडु के 900 सिनेमाघरों में धूम मचा दी है और लगभग 3,500 स्क्रीन्स पर रिलीज होकर दुनिया भर में प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया। ट्विटर पर 350K का जुर्माना, ट्रंप के अकाउंट सर्च वारंट पर प्रतिक्रिया में हुई देरी। एलन मस्क के ट्विटर पर इस साल की शुरुआत में $350,000 का जुर्माना लगा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से जुड़े सर्च वारंट का पालन करने से इनकार करने पर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया गया है।